अच्छा जी बेटे, पिछले लेक्चर्स में हमने पेपर इंस्ट्रक्शंस, सिलेबस इंस्ट्रक्शंस और जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम अब आगे चलते हैं। आज जो हमारा टारगेट है वो है हाउ टू चूज अ टॉपिक। आपको 10 टॉपिक्स देते हैं वो लोग, उसमें से एक को चूज करके आपने उस पे ऐसे लिखना होता है, वो हम देख लेते हैं। ये टारगेट है हमारा कि कैसे चूज करना है टॉपिक, और पास्ट पेपर को कुछ इवेल्युएट कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि किस फ्रीक्वेंसी से, किस डोमेन से, किस किस्म के ऐसे इसके टॉपिक आ रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं टॉपिक को कैसे चूज करना है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्टेटमेंट फॉर्म एंड प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग। आप वो वाला टॉपिक चूज कीजिए जिसकी स्टेटमेंट फॉर्म आपको समझ आ रही है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो आप वो वाला टॉपिक चूज कीजिए जिसकी स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब है कि जो जाहिरी शक्ल जो उसने दी है स्टेटमेंट की, वो आपको समझ आई है, उसके वर्ड समझ आए हैं, और उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट है वो आपको क्लियर हुआ है। मेरा जो बिल्कुल कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है स्टेटमेंट में, टॉपिक में और प्रॉम्प्ट में। फिर एक दफा बता देता हूं। अब ये सेंटेंस देखिए, चूज द टॉपिक हुज अंडरलाइन प्रॉम्प्ट यू अंडरस्टैंड क्लियरली। ये वो वाला टॉपिक चूज कीजिए जिसका प्रॉम्प्ट आपको समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो कहता है द फॉर्म ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब ये है टॉपिक आपका, ये फॉर्म है इसकी। फॉर्म का मतलब जाहरी शक्ल बनावट, 2016 का टॉपिक है। हैज अ प्रॉम्प्ट विच ट्रिगर्स अ डिबेट। अब जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, जेंडर इक्वालिटी कोई रियल कॉन्सेप्ट है, या जेंडर इक्वालिटी हमें रियलिस्टिकली इस दुनिया में नजर आती है कि नहीं। देखो, टॉपिक तो ये कह रहा है कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, इसका मतलब है कि देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन हमने इसके ऊपर जब प्रॉम्प्ट पे जाना है तो वो हमसे ये पूछना ये चाह रहा है कि आपकी क्या राय है कि क्या इस दुनिया में जेंडर इक्वालिटी है, क्या ये रियलिटी है या मिथ है। जैसे मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट को खोला थोड़ा सा, इसको इसको डिग किया, तो वेदर जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट और नॉट, एक बात, और हैज जेंडर इक्वालिटी बीन गिवन टू ऑल जेंडर्स। ये भी इसके अंदर सवाल हो सकता है कि क्या जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट और जेंडर इक्वालिटी की इंप्लीमेंटेशन क्या पूरी दुनिया में एक जैसी है। अब जो प्रॉम्प्ट है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जेंडर इक्वालिटी रियल कॉन्सेप्ट है या एक अनरियल कॉन्सेप्ट है, जेंडर इक्वालिटी क्या दुनिया में कायम हो सकती है या नहीं हो सकती, या हो गई है, या दुनिया के कुछ पार्ट्स में जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया गया और वहां पर जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की कोशिश की गई या अचीव हो गई है। ठीक है ना, हम हमेशा से ये बात करते होते हैं कि मेल डोमिनेंट पेट्रियार्किकल सोसाइटी है हमारे यहां पाकिस्तान में खास तौर पे, और कई और ममालिक में भी, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को हम देखते हैं तो हमें यह भी नजर आता है कि अगरचे 100% लेवल के ऊपर वहां पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां फीमेल राइट्स का और ट्रांसजेंडर राइट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो इट मींस दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अनरियल, एंड वी कैन नॉट से दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ in all parts of the world. It might be a myth in some countries or some parts of the world, but it is not a myth in every country of the world and all around the world.
ये इसके अंदर अंडरलाइन प्रॉम्प्ट है। तो जब आपको उस जो टॉपिक जो आपने चूज किया है उसका प्रॉम्प्ट अगर समझ आ जाता है आपको, तो उसके ऊपर आप ऐसे लिखिए। ये हो गई आज की पहली बात। और आप लोगों ने टॉपिक कैसे चूज करना है, नंबर टू, जिसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप अच्छा लिख सकें। चूज द टॉपिक ऑन विच यू कैन राइट एन एक्सप्रेशनिस्टिक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आर्गुमेंट डेवलप बच्चा कर ही लेता है, कैंडिडेट्स जो हैं वो पैराग्राफ्स बना ही लेते हैं, लेकिन जो ऐसे की बिगिनिंग और एंडिंग होती है, जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, दैट इज, तो आपका ऐसे पास या फेल होने का दारोमदार एक बड़ी हद तक उसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे होता है। वजह क्या है कि आपका जो एग्जामिनर है वो चाहते ना चाहते हुए भी आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है। अगर उसका दिल नहीं भी कर रहा, लेजी है, और मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि वो कोई आपका टीचर नहीं है जो पूरा ऐसे पढ़ेगा वो, तो बहरहाल आपके ऐसे को उसने इवेल्यूएट तो करना है ना, तो वो किस बेस के ऊपर करेगा, उसमें से ये पहला पैरामीटर है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका एक अच्छा सॉलिड स्टेटमेंट के साथ, क्लियर स्टेटमेंट के साथ, एक्सप्रेशनिस्टिक और अच्छा होना चाहिए। और एक्सप्रेशनिज्म के मुतालिक मैं बड़ा डिटेल में आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि एक्सप्रेशनिज्म का मतलब है क्या। इसका मतलब सजे सजाए अल्फाज नहीं है, और इसका मतलब हैवी और इंतहाई मुश्किल अल्फाज का लिखना नहीं है। इसका मतलब रेलेवेंस है, इसका मतलब सिंप्लिसिटी है, इसका मतलब क्लैरिटी है, इसका मतलब आपका स्टांस के अंदर जो लॉजिक मौजूद है वो है। और कंक्लूजन भी मैंने आपको बोला था कि कोई कुकी कटर अप्रोच नहीं अपनाई जा सकती कंक्लूजन लिखने के लिए। ये तो हम जब टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसा लिखना है। और ये भी मैंने गुजारिश आपसे की थी पहले और अब भी मैं कर रहा हूं कि ये जो इंट्रोडक्शन है और ये जो कंक्लूजन है, कम अज कम इंट्रोडक्शन आप रफ में जरूर लिखिए। जो आप रफ वर्क करोगे, और मैंने आपको एक कैलकुलेशन से 1 घंटा निकाल के आपको बताया था, और मैंने कहा था कि आप 1 घंटा तक रफ वर्क कर सकते हो, क्योंकि 2 आवर्स में आप 2400 लफ्ज लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जब आप रफ में इंट्रोडक्शन लिख लोगे और रफ में आउटलाइन लिख लोगे तो बड़ा फायदा होगा उसका। उसको आप खुद रिवाइज कर सकोगे, उसके वर्ड्स, उसके सेंटेंसेस चेंज कर सकोगे, मतलब एक आप सेल्फ क्रिटिक बन जाओगे। अच्छा, फिर बच्चे ये भी मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर, मैं जिस टॉपिक पे लिख के आया हूं ना, उस टॉपिक पे तो हर किसी ने लिखा होगा, तो आपने इस बात की भी फिक्र नहीं करनी। ये जो हमने पहली दो बातें की हैं कि ऐसा टॉपिक जिसकी प्रॉम्प्ट आपको समझ आ रही है आप उसके बारे में लिखें, ऐसा टॉपिक जिसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपसे अच्छा लिखा गया है, अच्छा लिखा जा सकता है, आप सोचते हो कि ऐसा आप करोगे, तो आप उस पर लिखें। आर्गुमेंट डेवलप कर ही लेता है बंदा, पैराग्राफ बंदा लिख ही लेता है। तो ये दो काम आपको चाहिए। और ये मत सोचिए, मैंने लिखा हुआ है, डोंट वरी इफ मेनी कैंडिडेट्स पिक द सेम टॉप सेम ऐसे टॉपिक एज यू हैव चोजन। और ये भी परेशान ना हुआ करें कि जिस ऐसे के ऊपर मैं लिख के आया हूं वो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा। ये तो और भी अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा,